लापाकांसा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों 2023 आने वाला है, जैसे ही हम दिसंबर से जनवरी में दाखिल होते हैं सारे भारतीय पर्यटक स्टार्ट कर देते हैं पूछना स्विट्जरलैंड के बारे में। लापाकांसा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं 2023 में स्विट्जरलैंड जाने का तो आपको यहां के वीजा के बारे में कितनी फिक्र करने की जरूरत है। सबसे पहले इस बात से शुरुआत करते हैं कि स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए। स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन जब आप करते हैं दोस्तों तो इसको हम चार स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन के लिए एक अपॉइंटमेंट का लेना। दूसरा स्टेप है अपनी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल तैयार करना बहुत ही नीटली, जिसमें आपके सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शामिल होने चाहिए। तीसरा है जब आप वीजा फैसिलिटेशन सेंटर में विजिट करते हैं, जहां पे आप अपना फॉर्म, अपना कवरिंग लेटर, फोटोग्राफ और बाकी के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं वीजा एप्लीकेशन के साथ में, और यहां पे आपके बायोमेट्रिक के डिटेल्स लिए जाते हैं। चौथे स्टेप में आपको सिंपली वेट करना है एम्बेसी का डिसीजन का। मिनिमम आपके पास में 15 वर्किंग डेज का टाइम होना चाहिए जो कि आपको एम्बेसी को देना पड़ेगा। ये वीजा जल्दी भी आ सकता है, लेकिन 15 वर्किंग डेज से पहले आप ये पूछ नहीं सकते हैं कि आपका वीजा क्यों नहीं आया। इसीलिए स्विट्जरलैंड जब आप ट्रैवल करते हैं आपका वेल इन एडवांस प्लानिंग करना टूर की बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड के वीजा की जब हम तैयारी करते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स का बहुत खास ख्याल रखना जरूरी है। वीजा एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जब हम लोग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में अमूमन आपकी आती है आइटनरी, कि आप स्विट्जरलैंड में कहां कहां जा रहे हैं या स्विट्जरलैंड के बाद या पहले वो किस जगह पे जा रहे हैं वो आपको आइटनरी में शो करना होता है। उसके साथ में आपके होने चाहिए सारे होटल्स की कंफर्मेशन। जब आप यूरोप में अपने टूर के दौरान जहां जहां रुक रहे हैं आपके होटल की कंफर्मेशन भी एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन के साथ जाती है। एयर टिकट, कंफर्म्ड एयर टिकट भी बहुत जरूरी है, जो कि आपकी जिसकी कॉपी आपको इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में लगानी है। साथ ही आपके टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टूर में आप मेडिकली इंश्योर्ड होने चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपके इनकम प्रूफ्स और आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देने पड़ते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जैसे कि विजिटिंग कार्ड या अपॉइंटमेंट लेटर, और साथ में बहुत जरूरी होता है आपके सैलरी स्लिप्स। आपका लीव अप्रूवल वहां से बहुत जरूरी है। 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स होना आपके पास बहुत जरूरी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का। और 3 या 6 महीने की आपके पास में बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद में करीब 15 वर्किंग डेज का टाइम लेते हुए ये पासपोर्ट आपके वीजा फैसिलिटेशन सेंटर में पहुंच जाता है, जहां से आप या तो कलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन ले सकते हैं कि आपको ये पासपोर्ट जो है वो कोरियर कर दिए जाएं। कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं दोस्तों, जैसे फर्ज करिए कि आप डॉक्यूमेंट में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है और आप एक हनीमून कपल है। हनीमून कपल के केस में आप अपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं। वेडिंग के कार्ड या फोटोग्राफ वगैरह भी जरूरी होती है, जिसका आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में सबमिट कर सकते हैं और उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी होती है जब आप एक स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आप स्विस हॉलीडे के लिए या फिर स्विस वीजा एप्लीकेशन के लिए किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरह से हेल्प करने में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।